अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक और मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पत्ता गोभी के पकौड़े। तो ये मेरी पत्ता गोभी है जिसे मैंने बहुत रफली काट लिया है, इस तरीके से थोड़ा सा मोटा मोटा सा ही काटा है, इसको बिल्कुल बारीक नहीं करना है आपको। तो पत्ता गोभी में मैं थोड़े से अपने आलू भी मिला देती हूँ। ये मैंने आलूओं को काट लिया है, इनको भी मैंने थोड़ा सा छोटे छोटे और पतले पतले डाइस में काटा है। आलू हम थोड़ा पतला काटेंगे, पत्ता गोभी को हम मोटा सा काटेंगे, वरना ये जल जाएगी पत्ता गोभी और फिर वो कड़वापन आ जाता है। गाइज, इसके पकौड़े आप बनाना बहुत यम्मी लगते हैं, एक बार ज़रूर बना के देखना। तो यहाँ पे मैंने अपना थोड़ा सा हरा धनिया है जो मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। आप चाहो तो पालक भी ऐड कर देना, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है। मेरे पास इस टाइम पालक नहीं था तो मैंने हरा धनिया ही डाल दिया था। तो यहाँ पे मैंने अपना हरा धनिया मिक्स कर दिया। ये है मेरा अमचूर पाउडर जो कि पकौड़ों में बहुत अच्छा लगता है जब जाता है तो। और ये है मेरा अजवाइन, आप लोगों को पता है मैं ज़रूर बहुत ज़्यादा अजवाइन यूज़ करती हूँ। ये है मेरा साबुत धनिया जिसको मैंने अच्छे से ना क्रश कर लिया था, क्रश करके मैंने मामदस्ते में और फिर इसमें ऐड कर दिया था। और अब हम जान डालने वाले हैं अपनी हल्दी, इससे पकौड़ों का जो कलर है वो बहुत अच्छा आ जाएगा, इसलिए हम इसमें हल्दी ऐड कर रहे हैं। और अफू की आप कटर कटर सुन सकते हैं, वो अभी उठी हैं सो के, तो इसलिए वो थोड़ी सी तरा रही हैं मेरे गोद में बैठ के। यहाँ पे मैंने अपने मिर्ची डाली है 1.5 चम्मच, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना। और इसमें हरी मिर्ची भी कट के डलेगी, तो वो हरी मिर्च की वीडियो क्लिपिंग मेरे से मिस हो गई है, बट मैंने हरी मिर्च भी डाली थी। ये है नमक, नमक भी मैंने अपना इसके अंदर 1.5 चम्मच नमक ऐड करा है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना, ठीक है। और अब मैं इसके अंदर अपना बेसन ऐड कर दूँगी, बहुत चुटकियों में बन जाते हैं। जैसे ही कोई मेहमान आया ना आपके घर में, मैं पता है क्या करती हूँ, जब कोई मेहमान आने वाला होता है मुझे पता है कि वो आ रहा है, तो मैं ना ऐसे पकोड़े बना के हाफ डन करके रख लेती हूँ कि जो भी गंदगी वगैरह होती है ना ये सब हट जाती है, जैसे बेसन के बर्तन वगैरह ये वो। तो ये मैं पहले ही उनको घोल घाल के बेसन और पकौड़े बना के हाफ डन करके रख लेती हूँ, और फिर जब आते तो दोबारा से रिफ़्रेश कर देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने क्रिस्पीनेस के लिए थोड़ी सी सूजी ऐड करी थी, बस ज़रा सी 2 चम्मच के करीब ऐड करी थी। तो अब मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी। आप लोग सोच रहे हो कि किसी डोंगे में या भगोने में क्यों नहीं कर रही, तो ये सामान ज़्यादा था तो इसलिए मैंने परात में कर लिया, इससे भी बड़ा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और थैंक यू गाइज, आपको मेरा एकदम मेरे को आप लोगों ने बता दिया कि मुझे आगे क्या करना है। आप लोगों को मेरा व्लॉगिंग ज़्यादा पसंद आ रही है अकॉर्डिंग टू रेसिपी, तो मेरी कोशिश ये रहेगी, ठीक है आज से हम व्लॉगर भी बन जाते हैं, आपके लिए मैं नए नए व्लॉग्स लेकर आऊँगी। और नए नए व्लॉग्स क्या, बच्चों के साथ जो रूटीन होता है वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा। तो मैंने थोड़ा सा पानी से इसको घोल लिया था, इस तरीके का मैंने इसको डोसा तैयार कर लिया है। डो बोल दो आप, जो भी बोल दो, कि मतलब ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना, इतना कि आपके हाथ में आ जाए। बाइंडिंग करी है मैंने पानी से इसकी, दैट्स इट, हमें इससे ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है इसके अंदर। तो ये देखिए ये बाइंड हो गया है, मेरा अच्छे से पकौड़े बन पा रहे हैं। और यहाँ पर मेरा ऑयल गर्म हो चुका था और यहाँ पर मैं अपने पकौड़े जो हैं इसमें डाले जा रही हूँ। जी बेबी, अच्छा, अल्फिया को अभी थोड़ा सा, एक सेकेंड लो, नहीं कची बाबा, अच्छा मेरी बेबी। तो यहाँ पे मैं अपने देखो एक एक करके सारे पकोड़े इसके अंदर ऐड कर लूँगी, और ठंड का मौसम है अच्छा लगता है ये पकोड़े वगैरह। ओ सॉरी, अफू को थोड़ी सी खांसी हो रखी है और अल्फू जो है थोड़ा सा जुकाम है अल्फिया को। मे बी एक घर के अंदर पता है एक जना बीमार पड़ जाना तो फिर तो सबको लाइन लगानी होती, मैं बीमार पड़ चुकी हूँ तो वो ये बच्चों को भी वायरल थोड़ा थोड़ा हो ही रहा है, तो अल्फिया मेरे से चिपकी भी हर टाइम रहती हैं। यहाँ पे मेरे पकौड़े अच्छे से मैंने डाल दिए, जितने मेरी कढ़ाई में एक बार में आ सकते थे मैंने उतने डाल दिए हैं। और
और आप कईयों को मेरी रेसिपी भी बहुत पसंद आती है, और दो तीन लोगों ने मुझे बोला है कि मैं ऑयल बहुत डालती हूँ अपनी सब्जियों में। तो हाँ, मेरे से हो गई है गलती, इंशाल्लाह मैं थोड़ा कम करूँगी ऑयल डालना, क्योंकि बच्चों के लिए भी और मेरे लिए भी ज़्यादा ठीक नहीं है ऑयल। वो है ना कि कुछ अच्छा खाना बनाने लग जाओ तो ऑयल ज़्यादा डल जाता है, बट आई एम श्योर मैं इंशाल्लाह अब और भी कम कर दूंगी अपना ऑयल डालना। पता है, जब मैं मम्मी के घर पे थी ना यार, तो मैं एक टीन जो है 1 महीना चलाती थी, तो बहुत प्राउड फील करती थी कि मम्मा मेरी पीठ थपथपाओ, मैंने एक टीन जो होता है ना वो 1 महीना चला दिया है। आप यकीन जानोगे मैं वही लड़की हूँ, और आज मेरे घर में मैं पता है सिर्फ 4 kg ऑयल मंगवाती हूँ और उसको पूरा 1 month चलाती हूँ, तब भी मेरी कोई पीठ नहीं थपथपाता। मम्मी के घर में तो ऐश थे कि मम्मी ये ला दो वो ला दो, आज सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ता है खुद, तो भी कोई अप्रिशिएट नहीं करता मेरे को। अब ये यूट्यूब मिला है जिससे आप लोग मेरे रेसिपीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हो, तो थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगता है। और पता है, मुझे रेसिपी डालना या व्लॉगिंग करने से ज़्यादा अच्छा जो मुझे लगता है वो आप लोगों के कमेंट पढ़ना अच्छा लगता है। बहुत 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 अच्छे कमेंट होते हैं और मुझे बहुत पसंद आते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हो आप लोग। और मेरे हस्बैंड ने तो, मुझे 10 साल हो जाएंगे हमारी शादी को भी, और बस जिस दिन मैंने बटर नान और मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी ना, तो उन्होंने बटर नान खाए थे, तब उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई थी कि वाह रानी मज़ा आ गया। बाकी वो उनका कमेंट ऐसे ही होते हैं, हाँ अच्छा है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। उनको टेस्ट का कुछ नहीं पता रहता, नमक मिर्च का उनको कुछ नहीं पता रहता, वो सब मेरे को खुद ही देखना होता है, और किसी भी चीज़ का उनको कुछ नहीं लेना देना है, वो बस ये है कि हाँ मेरे साथ हैं, मेरी तबीयत का ध्यान रखते हैं, बच्चों का ध्यान रख लेते हैं। अदरवाइज़ खाने पीने में वो मुझे ना तो कभी बुरा बोलते हैं ना ही बहुत अच्छा बोलते हैं। हाँ, जो मैं पूछती हूँ, अच्छा आसिफ जी कैसा है, हाँ ठीक है, अच्छा है, वाव लगा, हाँ वाव लगा, अब तो वाव कहना सीख गए, पहले तो वाव नहीं बोलते थे, बस ठीक है अच्छा लगा कहते थे। तो बस आप लोग जब कमेंट करते हो ना, तब लगता है यार हम में भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, हम अच्छे हैं सच्ची। मुझे दूसरे लोग बताते हैं कि आप अच्छे हो, आप ये करते हो करते हो, आसिफ जी तो बोलते हैं कुछ नहीं करते हो। वो और हस्बैंड जैसे अपनी वाइफ्स को बोलते हैं, आसिफ जी भी कुछ अलग नहीं बोलते, सेम ऐसे ही बोलते हैं, बट हाँ मुझसे प्यार बहुत करते हैं। ये आप कह सकते हो कि मेरे मुंह से एक चीज़ निकलने की देर होती है, और वो मेरे ना जिन है, जिन वो घिसते हैं ना चिराग में से और जो निकल के आते हैं बाहर के, हाँ बताओ क्या करना है, तो वो है, मैं मुंह से कुछ निकालूं और वो उन्हें पूरा करना ही करना है, तो इसलिए मैं ना मुंह से कम चीज़ें निकालती हूँ, कहीं जिन कुछ ज़्यादा परेशान ना हो जाए। तो बस यहाँ पे हमारे पकौड़े तले जा रहे हैं और आपसे थोड़ी सी बातचीत भी चल रही है, और बहुत जल्दी ही मेरी एनिवर्सरी आ रही है 13 फेब को। आप लोग मुझसे बोलते थे कि विश करना, अभी हमारा बर्थडे आ रहा है, हमारी एनिवर्सरी आ रही है, तो प्लीज़ गाइस 13 फेब को मेरी एनिवर्सरी आ रही है, अगर मैं कोई वीडियो ना डाल पाऊँ तो आप लोग मुझे ज़रूर विश करना, ठीक है। मैं ना उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत सारी दुआएं दोगे और विश करोगे, तो मैं आप लोगों का इंतज़ार करूँगी 13 फरवरी को, ठीक है ना। चाहे मैं वीडियो डालूँ या नहीं डालूं, ठीक है आप लोग कर देना, लेकिन हाँ। और ये देखो मेरी अल्फू आ गई, हाय अल्फू, ये अल्फू ये देखो, ये मेरा अफू है। अब पता है अल्फू ना अपनी वीडियो भी नहीं देखती, जैसे ही मैं कैमरा उठाती हूँ ना वो हाय करना स्टार्ट कर देती है, अस्सलामुअलैकुम करना स्टार्ट कर देती है, तो वो अभी अपनी वीडियो भी देख रही है और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो उसने तभी अस्सलामुअलैकुम कर दिया है, उसे लगा मम्मा कह रही है मुझसे करने के लिए। और बस कुछ टाइम बाद अल्फिया का भी प्ले स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, अल्फिया भी अपने स्कूल चली जाया करेंगी। इनायत को मैंने जिस स्कूल में डाला था, मैं अल्फिया को भी उसी स्कूल में डालूंगी, और इनायत भी बहुत अच्छे प्ले स्कूल में जाती थी। जहाँ मैं बच्चों को प्ले स्कूल में डालती हूँ ना, वहाँ पर इतना शोर शाबाजी नहीं होता, विद्यालय में मैं अपने बच्चों को प्ले स्कूल में डालती हूँ, बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत ही अच्छा है, 86 से है वो स्कूल, और बच्चों को प्ले स्कूल में डालने से उनकी नींव मजबूत हो जाती है, और मैंने इनायत को डाला था तो मुझे पता है कि इनायत के लिए कोई भी चीज़ इतनी जल्दी भारी नहीं पड़ती है, माशाल्लाह जहन अच्छा हो गया उसका,
तो एक बेस सा मिल जाता है। यहाँ पर देखो मेरे पकोड़े जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। वीडियो को लंबा करने का सिर्फ एक ही रीज़न था, आपसे हो सकती हैं मेरी बहुत सारी बातें, तो इस तरीके से मैं रेसिपी भी दे दी और आपसे बातें भी कर ली। और नेक्स्ट टाइम मैं शुरू करूँगी कि कुछ करूँ जिससे कि मैं आपसे ढेर सारी बातें और कर सकूँ और ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। तो गाइज आप लोग मुझे ना ऐसे ही प्यार करते रहो, सपोर्ट करते रहो। और अभी पता है मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, नई नई चीज़ें अभी सीख रही हूँ फ़ोन के अंदर ही। लाइफ जो होता है ना कि हर चीज़ कहते हैं ना सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी उम्र में यूट्यूब स्टार्ट करूँगी चैनल और ये सब चीज़ें करूँगी। वरना मैं वो लड़की थी जो सिर्फ फ़ोन उठाना और काटना जानती थी, ग्रीन वाले से उठता है का रेड वाले से कटता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। आज मैं व्हाट्सअप यूज़ कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। अभी आपको पता है हस्बैंड ने बोला था कि आपका इंस्टाग्राम ऐप वो भी बनाऊँगा मैं, क्या बोलते हैं अकाउंट, फेसबुक भी चलाओ ये वो है। बट पता है क्या, इन सब चीज़ों में ना एक चीज़ मिस हो रही है, वो है हम दोनों हस्बैंड वाइफ का प्रीशियस टाइम। रात के टाइम एडिटिंग होती है, कभी वो फ़ोन में लग जाते हैं, कभी मैं फ़ोन में लग जाती हूँ। मॉर्निंग में टाइम मिलता है तो वो फ़ोन में लग जाते हैं, मैं फ़ोन में लग जाती हूँ। तो टेक्नोलॉजी जो है ना वो अपनों से दूर कर रही है। तो करते हैं इसका भी कोई जुगाड़, और पकौड़े बन चुके हैं टमाटो सॉस के साथ, लग रहे हैं बहुत लजीज। खा के बैठी हूँ इसलिए बता रही हूँ कि बहुत अच्छे लगेंगे। एक बार ज़रूर ट्राई करना ये पत्ता गोभी के पकौड़े, और इसमें अगर आप चाहो तो पालक भी ऐड कर लेना, मैंने हरा धनिया ऐड करा था। तो और देखो यहाँ पे अल्फिया क्या कर रही हैं, अम्मा ठीक।